नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलघाट पर क्षेत्र की सभी आशा बहुओं ने कृष्णा धनराज का बहिष्कार करते हुए एक उचित मानदेय की मांग की है। आशा बहुओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार हम कर्मियों का निरंतर कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए दिन रात एक कर मरीजों की सेवा में निरंतर कार्य पर उपस्थित रहते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष मालती देवी ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह के साथ। गोरखपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट पर यहाँ पे आशा बहनों ने यहाँ पे अपनी मांग को लेकर के, जो मांग इनकी है कि ये बिना जो है बिना मानदेय के ये इनसे काम लिया जाता है। एक प्रोत्साहन धनराज जो है, जैसा कि उन्होंने बताया है, 2200 रुपये की, लगभग 2200 रुपये की धनराज पे जो है इनसे स्वास्थ्य विभाग के जो भी काम आते हैं उसके अंतर्गत इनसे काम लिया जाता है। ये एक जो है आशा बहू से जानते हैं कि इनकी जो मांग है किस तरीके की मांग है, क्या कहेंगी, क्या है किस तरीके की मांग आप लोगों की, क्या कहेंगे बताइए। हम लोग जो है कि कोरोना काल में भी 24 घंटे हम लोग ड्यूटी पे तने थे। जब भी प्रदेश से कोई आता था हमको फोन जाता था, गांव से प्रधान जी बताते थे, पीएससी से फोन जाता था कि कोरोना के लोग आ गए हैं सर, से आप लोग स्कूल में व्यवस्था करवाइए, घर पे मत। हम लोग उनके घर जा करके उनको स्कूल पे ले जा करके रखवाते थे और उनका देख रेख करते थे, उनको एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था। हम आप लोगों का धरना जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या मांग है आप लोगों का, क्या कहेंगी? श्रीमान बाबा जी से हमारा निवेदन है कि बाबा जी, हम लोगों का जो 2200 रुपये जो हम लोगों का प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, हम लोगों का वो 2200 रुपये ना दे करके हम लोग का निर्धन कोई मानदेय कर दें। हमसे बाबा जी से यही है कि हमको टुकड़ा नहीं चाहिए, हमको जो है कि 10-5 हज़ार जो भी उनको देना है, उनको जो भी समझ आता है वो हमारे सीधे खाता में आए, हमको मानदेय मिलना चाहिए। और बाबा जी से यही निवेदन है कि हम लोग रात में हो या दिन में हो या धूप में हो या बारिश में हो, जब भी हमको फोन जाता है तभी हम अपने 1000 आबादी पे काम करते हैं। हम लोग सभी के साथ अपना दिन और रात एक कर देते हैं। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके हम लोग अपने ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। कोरोना माह में हम लोग ड्यूटी में जब कोई घर से नहीं निकलता था तो हम लोग अपने बच्चे को घर पे छोड़ करके, हमारे बच्चे पूछते थे कि मम्मी आपको कोरोना हो जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं डरते थे। हम लोग निडर होकर के हम लोग अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, हमने सरकार जो हम लोगों को काम दे दी, हम लोग सरकार के कहने के अनुसार हम लोग काम किए, लेकिन हम लोगों का क्या कोई भूमिका नहीं है? हमारे बच्चे नहीं है कि जो हम अपने बच्चों को पाल पोषण कर 2200 रुपये में क्या होता है? हमारे बच्चों को बताइए, हमारा तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा, हमारा बच्चा कैसे पलेगा, हमारे बच्चे की फीस कहाँ से आएगी? इसका मतलब हमारे बच्चे का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपना अधिकार, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें मानदेय चाहिए। हम लोगों का 18,000 से कम नहीं मानदेय चाहिए हमें, बस। यही अनुरोध है कि आशा बहुओं की मांग उचित है और इनका परिश्रम सार्थक है, इसलिए इन्हें उचित मानदेय देने की कृपा करें, सरकार से हमारी यही मांग है। धन्यवाद। जो यहाँ पे आशा बहुएं हैं, इनका सीधे सीधे सरकार से मांग है कि जो प्रोत्साहन धनराशि जो सरकार देती है वो नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए। इन्होंने कोई पैसा जो धरने का जो उद्देश्य है इनका, वो सीधे सीधे एक निश्चित मानदेय की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर।